कर आपने। हाय फ्रेंड, अभी NFC का जो है इंटरव्यू चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो कई बच्चे ऐसे हैं, मतलब कई लोग हैं, हम भी थे जब हम मेरा नहीं हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अभी तो इंटरव्यू मेरा कल है, तो जब नहीं हुआ था तो मैं भी कभी कंफ्यूज काफ़ी था कि क्या क्या लगेगा, कैसे क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के लेके मैंने ग्रुप में खुद ही मैसेज कर दिया था, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकता है। तो मैंने कई लोगों को रिप्लाई भी किया है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब कोई वीडियो बना के मैं डाल दूँ, जिससे कि सबको भी क्लियर हो जाए कि क्या क्या ले जाना है, कैसे आपका डॉक्यूमेंटिफिकेशन होना है, कैसे आपका फिजिकल टेस्ट होना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप सिकंदराबाद स्टेशन आते हैं, तो वहाँ से आपको 16 नंबर की बस मिलेगी, वो ECIL X रोड पर जाती है, तो वो सीधे आपको क्या करेगी, सीधे आपको सेंटर पर छोड़ देगी, कि मतलब सेंटर पर जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उस गेट पर आपका जो भी टाइमिंग होगी उस टाइमिंग पर फिर वहाँ पर आ जाएंगे आपको बुलाने वाले, तो वहाँ पर आपको एक नोट्स लेके आएंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, तो नाम से आपको बुला के आपको अंदर भेज देंगे। तो अंदर वहाँ पे कई टेबल लगे हुए हैं, लगभग आठ से नौ टेबल हैं, डेस्क हैं, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। बेसिकली बच्चों ये परेशान है कि क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे, एक्चुअल में NFC ने पूरा क्लियर लिख दिया है कि क्या क्या उनको चाहिए, कोई नोटिफिकेशन पे जा ही नहीं रहा, जो रिजल्ट आया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, सब लोग बस पूछने लगे हैं क्या कैसे चीज़ों को, वही जो लिखा है बस वही मांग रहा है। मतलब कि उनने क्या लिखा है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेके आना है, NFC कॉपी वाला, आधार कार्ड लेके आना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर है तो इंटर की आप लेके आइए, बाकी आपके पास जो भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की, और उसको डिप्लोमा की जो डिग्री है, ये चीज़ें मेन रूप से आपके पास होनी चाहिए, साथ में इसका जीरोक्स भी आपके पास होना चाहिए, और बाकी जो एक पेज है, दो पेज है पीछे डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भी आपको लेके आना है। तो यही सब चीज़ें डॉक्यूमेंट है, इनको आपको लेके आना है। तो आपका क्या करेंगे, एक सेट वो जीरोक्स मांग रहे हैं, और बाकी आपका जो है वो देख रहे हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको देख रहे हैं। देखने के बाद वो आपको जो ऐसा वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, फिर आपको 10 मिनट बैठाते हैं, फिर वहीं से आपको उन्हीं की बस है, NFC का ही बस है, वो आपको ले जाते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल एक है वहीं पे, अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर के दूर पे है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद देखिए, ये तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वहाँ पे जाने के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, PET है, फिजिकल टेस्ट। तो इसमें आप मेडिकल मत समझिए, फिजिकल टेस्ट है। इसमें क्या है, पहला तो इसमें क्या है, हाइट वेट का, हाइट वेट में कई लोग कन्फ्यूज, इसमें क्लियरली जब लिखा है कि मे बी 17 से लेके 25 तक एक्सेप्टेबल है BMI, बॉडी मास इंडेक्स 17 से 25 तक एक्सेप्टेबल है, अगर फिर भी उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा यानी 27.5 तक, अगर 27.5 तक आपका BMI है तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर उसके लो भी कुछ है, उसमें मैंने क्लियरली देखा नहीं, लो भी कुछ है तो एक्सेप्टेबल है। जैसे मेरा अभी क्या था, 27.3 था, तो मेरा एक्सेप्ट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी अगर आपका कोई अगर ऐसा आ रहा है कि 27.5 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो मैं नहीं कुछ कह सकता, बाकी उसके अंदर क्या है, एक्सेप्टेबल है। और अगर हम बात करें उसके बाद, जैसे ये वाला आपका हाइट वेट का हो जाता है, उसके बाद क्या है, एक आई टेस्ट है। अब आई में कई लोग कह रहे हैं चश्मा लगा रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। जो मेरा हुआ है तो आई टेस्ट में क्या, नियर अबाउट आप समझ सकते हैं कि 6 मीटर की दूरी पे हाइट पे वो आपको लेटर्स लगे हुए हैं, ABCD करके लेटर्स लगे हुए हैं, और आपको 6 मीटर दूर रखा जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, उसको देख के पढ़ना है। उसमें क्या ना, ऊपर के लेटर बड़े बड़े हैं, फिर जैसे नीचे आप आएंगे ना तो वो छोटे होते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक आँख, जैसे एक आँख मून के अब उसको पढ़ना है। वो कहेंगे डॉक्टर्स, मतलब वो कह रहे हैं कि आप नीचे से चौथी लाइन पढ़िए, ऊपर से दूसरी लाइन पढ़िए, या पूरा पढ़िए, वो क्लियरली वो बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें पढ़ लेनी है। अब कई लोगों के कह रहे हैं कि चश्मा नहीं रहे, बिना चश्मा, तो इतना क्लियर नहीं जानिए कि चश्मा भी लगाएं तो एक आँख से ऐसे मून के और दूसरे से आपको देखना है, वो जो पूछ रहे हैं उनको बताना है क्लियरली, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, इसमें क्या है, ये आई टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो रहा है, उसमें आपको क्या देखा जा रहा है कि जैसे डॉट 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 करके एक कलर है, उसके अंदर कोई मतलब अक्षर है, कोई नंबर है, उसको आपको पहचानना, वो कॉपी ही है, उसमें मतलब डॉट डॉट करके बना हुआ है, फिर उसमें कोई नंबर है, फिर अगले वाले में भी डॉट डॉट करके बना हुआ है, फिर उसमें कोई नंबर है, तो नंबर आपको पहचानना है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो रहा है, इसको पहचानना है। बाकी एक क्या था, जो सांप सीढ़ी वाला आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको एंड तक पहुँचना है, बीच में कई रास्ते ढूंढने हैं आपको, एक टेस्ट तो ये था,
उसी में इंक्लूड था। बाकी कानून के कानून थोड़ा सा देखते हैं, मतलब पर्दा उर्दा सही है कि नहीं, बस ये देखें, यही आपके मेडिकल में इतनी चीज़ें हो रही थी बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या किया जाता है कि आपको 10-15 मिनट बोला जाता है कि आप वेट करिए बाहर, वहीं पर आपका रिजल्ट आ जाता है, वो मैम है वहाँ पर आपको बता देंगी कि आपका मेडिकल में हो गया है, मेडिकल आपका क्लियर है, कल आपको इतने टाइम पर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आना है। तो बाकी आप अगले दिन आप इंटरव्यू के लिए जाइए, जो भी बुलाएं, अगर वहाँ पे क्लियरली बोल देते हैं कि ड्यू टू सम रीज़न आपका क्या है, ये जो है यहाँ पे आपको फॉल्ट हो गई है और आप एलिजिबल नहीं हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्लियरली वहाँ पे आपको बोल देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था फिजिकल और मेडिकल टेस्ट था, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो एक दिन में ये पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, मेरा वो 4-5 घंटे लग रहे हैं, इतने टाइम में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट राउंड के लिए अगले दिन आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू इतने बजे से है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ECL का जो रूट है, मतलब सिकंदराबाद से जो रूट है, काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे जो भी मतलब मेंबर्स हैं, जो भी हायर अथॉरिटी है, बहुत मतलब बहुत कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कि आपको जीरोक्स करवा लेना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनका जीरोक्स करवा के आपके पास रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, एक बार इंटर करने के बाद वो बाहर नहीं जाने दे रहे हैं कि बाद में जीरोक्स करा के लाइए, ये चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप आइए, और कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब है और फिजिकल में सही है, तो आपका अगले दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू का देखिए, हमारा इंटरव्यू भी हुआ नहीं है, जैसे अगर कल होता है मेरा इंटरव्यू, तो मैं जो भी एक्सपीरियंस हो मैं शेयर कर दूंगा। बच्चे काफ़ी परेशान है, कैसे जाना क्या, सब लगभग इसी में इंक्लूड है। बाकी अगर आपको कुछ व्यू दिखना है, तो मैंने इसमें कुछ व्यू भी लगा दिए हैं कि मैं जब जा रहा था NFC, तो काफ़ी ग्रीन एरिया है, काफ़ी लंबे एरिया में, यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैं सबका हेडक्वार्टर नियर है, वो NPCIL का मैंने हेडक्वार्टर देखा है, यहीं पे भाभा का भी हेडक्वार्टर है, ECIL का भी, ECIL के सामने ये तो है, ये अपना जो NFC का है वो ECIL के सामने है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यही सब चीज़ें हैं, आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आप कोई भी चीज़ चेक करने से पहले आप सीधे नोटिफिकेशन पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी क्लियर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उनको जैसे मेरा BMI था 27.5, तो उन्हीं के पास क्या एक डाटा है। ये एरिया है ECIL का।